बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पेपर हैकर में और मसूरज राज आज फिर एक नई वीडियो के साथ हैं और जो आज पेपर हुआ है और आज है बेटा 20 जुलाई जी हाँ ये एम जी पी यूनिवर्सिटी का पेपर है और देख रहे हैं कि दो दिन पहले हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं हर यूनिवर्सिटी के लिए और जैसे ही आपका पेपर होता है दो दिन पहले केवल दस क्वेश्चन से ग्यारह क्वेश्चन देते हैं और सत्तर परसेंट प्लस का जो हम वादा करते हैं वो हम पूरा करते हैं तो आज फिर हमने एम जी पी रो, रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में झंडा गाड़ा है झंडा गाड़ने का मतलब यह है कि जो हम कहते हैं ना उसको सौ परसेंट करके दिखाते हैं यह पेपर हैकर का आपसे वादा है और जैसे हम आपको बताते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को बता दिया करो दबा के जितने जैसे आप कॉलेज में घुसते हैं आप सभी को कहते हुए लेकर पेपर हैकर से सब्सक्राइब कर लो पेपर Hacker को सब्सक्राइब करो वहां से पढ़ो ठीक है इस तरीके से आपको सबको प्रमोट करना है मतलब उन सभी को बोल रहे हैं और उनकी सहायता करनी है यार अपने दोस्तों की सहायता करनी है जो बार बार फेल हो रहे हैं चौतीस नंबर का पूरा पेपर बनता है तीन घंटे में शलोशन करना पड़ता है का थर्ड पेपर आज ही हुआ है आप देख सकते हैं ठीक है तो प्लांट फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जो पेपर बायोकेमिस्ट्री जो पेपर का नाम हो जाएगा आप ध्यान से देख लीजिए ठीक है और ये आपको चौतीस नंबर का है और ये छः नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन फंसता है बी एस सी सेकेंड ईयर वालों देख लो ध्यान से ये आपका लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो छः नंबर का एक है और हमने आपको बताए थे दस से ग्यारह क्वेश्चन जो पेपर में छप रहे थे और पूरा के पूरा वही पेपर आया है कुछ भी बाहर नहीं आया है आपको विश्वास ना हो तो दो दिन पहले की वीडियो देख लो आज है बीस जुलाई मतलब कि आप 18 जुलाई और 19 जुलाई की वीडियो देख सकते हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे पेपर लीक यानी तो वही देख लीजिए पूरा पेपर छपा है आज हम बात करने वाले हैं पहले ही क्वेश्चन के बारे में तो व्हाट इज़ यहाँ पूरा गैप कि जो C3 और C4 प्लांट होते हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल के सहित में उनका डायग्राम बनाना है रिस्पॉन्शन के बारे में बताना है और एक C4 चक्र जो होता है जिसे हम हैथ स्लैक्स चक्र साइकिल बोलते हैं ये भी मैंने आपको बताया था जैसे कि हिंदी में यहाँ बोला गया है यहाँ देख सकते हो सी और सी पौधे से क्या अभिप्राय है मतलब किसकी परिभाषा बतानी है योजनात्मक व्रत प्रणाली उनके चित्र की सहायता से आपको सी फोर चक्र जो होता है हैच स्किल चक्र बोलते हैं उसका वर्णन करना है पूरा छः नंबर का फंसा है पूरा पेपर लीक हुआ है आप देख सकते हैं जो हम कहते हैं वही पेपर में आता है दूसरा क्वेश्चन देखिए ये बोला गया है पौधों के आयन अपशोषण की प्रक्रिया ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया था केवल आपको तीन क्वेश्चन करने हैं छः क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन करने होते हैं लॉन्ग में वही बात की जाए तीसरे क्वेश्चन देखो यहाँ कह रहा है लघु और यहाँ बोला गया देखो मैक्रो और माइक्रो ठीक है मैक्रो माइक्रो जो न्यूट्रिशन होते हैं पौधों के अंदर पोषक तत्व होते हैं मैंने बताया था न, देखो न, जिसे माइक्रो और माइक्रो तत्व बोला गया था वहां इससे आप क्या समझते हैं उनके महत्व उनकी कमी से होने वाले पौधों में कौन कौन सी बीमारी हो जाती है मैक्रो और माइक्रो जो एलिमेंट्स होते हैं तत्व होते हैं पोषण तत्व होते हैं उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं उन रोगों के बारे में पूरा क्वेश्चन फंसा छः नंबर का देख लेना पहले ही ऊपर सबसे क्वेश्चन यही दिया था मैंने कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें देखो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो चौथा क्वेश्चन वृद्धि हारमोन ग्रोथ हारमोन आगे देखो जैसे ऑक्सीजन मैंने बताया था जिब्रिन बताया था ठीक है और देखो साइटो बनाया तो ये सब राहत के कारक बताना है तो किस तरीके से छिड़काव करने पर पौधों ग्रोथ प्राप्त कर लेते हैं पूरा छः नंबर का ये फंसा है अठारह नंबर का पूरा फंस है आप देख सकते हैं पाँचवें क्वेश्चन की यदि हम जोर जाते हैं तो पाँचवा क्वेश्चन आपसे बोला गया है यहाँ आपको किसी दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है यहाँ है प्रोटीन की द्वितीय संरचना के बारे में या फिर बास बासभुजन की गति प्रभावित करने के कारक कौन कौन से होते हैं तो ये भी आप बता सकते हैं या फिर नाइट्रोजन स्त्रीकरण क्या होता है या चक्री फोटोस्फोर क्या होता है ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको टिक लगवाए थे वट आप ये ना करना चाहें तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं इंजाम क्या है उनके गुण और क्रियाविधि के बारे में बता दीजिए क्योंकि ये सौ क्वेश्चन क्वेश्चन बनता है इसे कोई हरा नहीं सकता कोई हटा नहीं सकता कोई इसे अलग नहीं कर सकता पेपर से ठीक है कोई प्रोफेसर आ जाए ठीक है याद रखना और पेपर हैकर आपका साथ देगा हमेशा पूरी लाइफ में एनी वे anyway, आपसे वादा करता हूँ और आप भी मुझसे वादा करिए कि आप सभी छात्रों को सभी दोस्तों को आपके भाई बहन सबको पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के बारे में बताएंगे मुझसे वादा करिए और जो आप वादा कर रहे हैं उसको तोड़ना नहीं है भूलना नहीं है ओके भूलना नहीं है तोड़ना नहीं है कुछ भी हो जाए उसके बाद में हम नीचे जाते हैं और नीचे आप देखेंगे उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ देखिए उसके बाद में सेक्शन नंबर बी में हम यदि बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों की तो आप देखेंगे यहाँ पांच क्वेश्चन यहाँ करने होते हैं सौ वर्डों में आपसे बोला गया है दो नंबर का एक क्वेश्चन है ज्यादा करने की जरूरत नहीं है सौ वर्डों मतलब दो पेजों में भर दो काम हो जाएगा चलो यहाँ तो अठारह नंबर ऊपर तो फंसी चुके हैं आपको पूरा पता हो गया क्षेत्रीय अठारह होते हैं अब यहाँ बात की देखो श्वसन प्रकाश श्वसन क्या होता है फोटो रिस्पेंसेशन क्या क्या होता है इसको देख लीजिए रेस्पिरेशन जिसे बोलते हैं और यहाँ देखो बोला गया स्वतः देखो फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट पूरा क्वेश्चन फंसा है दो नंबर का ये फंसा है दो नंबर का ये फंसा है देखो द, द, कह सकते हैं दीप्ति कलिता क्या होती है दो नंबर का ये फंसा है देखो पूरा क्वेश्चन वही फंसेगा तो हम बताते हैं कुछ बाहर से नहीं आता है देखो पराश्रमण ये दो नंबर का फंसा है देखो आपके हाथ में सब सामने हैं आपका देखो ए आ गया ए का निर्माण कैसे दो नंबर का फंसा है देखो हेलो मैंने कहा था एंजाइम के प्रकार याद कर लेना ये क्वेश्चन वहीं फंस गया उसके बाद में हम नीचे जाएंगे देखो अब यहां देखिए यहां जो बात की जाए निक्लोटाइट निकलोटाइट निकलोसाइट दोनों बताया था मैंने दोनों पढ़ के जाना आखिरी टाइम में ये बताया था निक्लोसाइट और निक्लोटाइट पढ़ लोगे तो ये पोषण आता है ये भी दो नंबर का फंसा है ठीक है अनिस्फलन किसे कहते हैं दो नंबर का फंसा है मतलब कुछ भी पेपर पूरा लीक जिसे कह सकते हैं सौ परसेंट देखो हम सत्तर परसेंट का आपसे वादा करते हैं हम सौ परसेंट रिजल्ट देते हैं आपको सत्तर परसेंट बोल सौ परसेंट का रिजल्ट देते हैं ये सबसे बड़ी खबर है आपके लिए आज की न्यू खबर कह सकते हैं गुड न्यूज़ कह सकते हैं ये कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ देखो इस तरीके से पूछे गए हैं एक बार जो भी छात्रों को इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में पता है वो एक बार कॉमेंट कर सकता है या फिर मैं इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको लगवाता हूँ देखिए लास्ट तक वीडियो बने रही तो गाइस अब देखो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है पहले क्वेश्चन बोलता है प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वह किससे मुक्त होती है तो आपको बताया जब प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एच टू ओ दो इन दो जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है ग्लूकोज का निर्माण होता है जब ग्लूकोज का निर्माण होगा तो क्या होगा बेटा जब ग्लूकोज का निर्माण होगा तब क्या होगा ऑक्सीजन मुक्त होती है तब क्या होती है ऑक्सीजन क्या होती है ग्लूकोज का निर्माण होगा प्लस ऑक्सीजन क्या होगी उड़ने लगेगी मुक्त होती है तो वो क्या होता है इन दोनों के क्रिया से किन से मुक्त होती है किससे मुक्त होती है तो अगर उन्हें साइड तो तो right हो पानी दोनों सी इज राइट होगा जिसने भी डी जिसने भी सी लगाया है, बिल्कुल राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दो आया है देखो दूसरे बारे को चेक कर लो यहाँ है ग्लूकोज में आइसो जो आइसोमर की जो प्रारंभिक संख्या होती है वो कितनी होती है तो आपको पता है चार की स्क्वायर मतलब कि सोलह चार चौक सोलह होती है जिसने भी ऑप्शन नंबर डी को लगाया बिल्कुल राइट है बिल् नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है ग्रेमा ऑफ फाउंड इन तो यह कह रहा है ग्रेमा पाया जाता है तो आपको बताया जो ग्रेमा पाया जाता है ग्रेना जो पाया जाता है वो बेटा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है पौधे के अंदर जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर बी परम सत्ता आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन यहाँ दिया गया है मुझे यह पता नहीं ये कौन से क्वेश्चन का है एनीवे anyway, तो यहाँ चौथा पॉइंट यहाँ देखा जाए तो ये वैसे तो ये यह देखो यहाँ तक देखा जाए तीन हो गए यहाँ चौथा क्वेश्चन देख लीजिए चौथा क्वेश्चन ये देखिए चौथा क्वेश्चन ये इस तरीके से है निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है जैसे हम माइक्रो न्यूट्रेन बोल सकते हैं माइक्रो तत्व बोल सकते हैं ठीक है माइक्रो या माइक्रो या माइक्रो बोलते हैं ना तो माइक्रो और माइक्रो अधिकता और माइक्रो तो मतलब सूक्ष्म ठीक है अब सबसे कम पौधे में कौन सा पोषक पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नीज जिसे एम जी बोलते हैं तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को लिया है बिल्कुल राइट है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो पांचवा क्वेश्चन है रेस्पिरेशन जो होता है उसमें आर क्यू जिसे आर क्यू बोल सकते हैं उसकी यूनिट कितनी होती है ठीक है तो यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन हमसे बोला गया है शोषण गुणांक इकाई के बर, के बराबर होती है तो एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे उसके बाद में आपको बताऊंगा इसका राइट क्या है लेकिन इसका लास्ट वाला एक बार देख लो लास्ट वाला बोल रहा है छठा क्वेश्चन है एपो एंजाइम क्या होते हैं बेटा एपो जो एंजाइम जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के पार्ट होते हैं किसके होते हैं प्रोटीन के पार्ट होते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा लेकिन मैं उसके ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को चेक करके मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो इसका आंसर जो रहने वाला है तो वो इसको डी को ऑप्शन को राइट करेंगे ठीक है तो पाँचवें क्वेश्चन का आंसर जो तो रहेगा वो डी रहने वाला है बाकी सारे क्वेश्चन आपने चेक कर लिए होंगे इसका डी लगा देना पाँचवें क्वेश्चन का आंसर ठीक है या कोई भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन आपको गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जिस तरीके से हम क्वेश्चन को बताते हैं वही आता है और हम आप चेक करने वाले हैं कि परसेंटेज कितनी फंसी है तो एक बार ध्यान से देखेंगे सभी लोग यहाँ बोला गया है कि आपको अट्ठारह नंबर ऊपर फँसा था और प्लस पंद्रह दस नंबर नीचे फँसा था हो गया अट्ठाईस नंबर प्लस पाँच नंबर या छः नंबर के जो क्वेश्चन आए थे छः क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसमें से तीन नंबर के हमारे बताए हमारे द्वारा बताए गए जो एम जो बच्चा डाउनलोड करके जाता है पढ़ के जाता है वहाँ से फंस जाते हैं तो टोटल आपके फंस जाते हैं इकतीस नंबर और इकतीस को क्या करना है इकतीस को इकतीस को इकतीस सौ सौ से डिवाइड सौ से गुणा करना है और चौंतीस से डिवाइड करना है आपके सामने आ जाएगा निकल के आप जिस तरीके से मैं आपको परसेंटेज निकाल के दिखाता हूँ तो आप कर लीजिए क्या करेंगे इकतीस सौ को भाग करेंगे चौंतीस से आपके सामने परसेंटेज निकल के आ जाएगा तो इकतीस सौ इंटू वो डिवाइड करनी है मुझे चौंतीस से तो ये निकल के आएगा इक्यानवे पॉइंट वन सेवन तो आप कह सकते हैं कि इक्यानवे परसेंट फंसा है यहाँ से मतलब कि आप 2022 के टॉप 10 के रैंक में आने वाले हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि पेपर हैकर आपके साथ हमेशा रहने वाला है ऑन इन लाइफ ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों को शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है सभी को बताना है और जो आपने वादा किया है हमसे उस वादे को निभाना ज़रूर है ठीक है ना चल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू